लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मिस्टर ली सी क्यू के ऊपर चिल्लाने लगे थे, लेकिन यहाँ पे सी क्यू उनसे पूछती है कि आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मिस्टर ली उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि वे नहीं चाहते कि कोई भी सी क्यू के ऊपर रॉक डाले, क्योंकि मिस्टर ली उसे पसंद करते हैं। अब यहाँ पे सी क्यू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो सिर्फ मिस्टर ली को डेटिंग करना चाहती थी, बट यहाँ पर मिस्टर ली अब कहने लगे हैं कि वो उसे पसंद करते हैं। बट यहाँ पे सी क्यू काफी ज्यादा नर्वस होकर उन्हें जवाब देती है कि उसने सिर्फ और सिर्फ डेटिंग के बारे में कहा था, उसने कभी ये नहीं कहा था कि मिस्टर ली उसे प्यार करे, रोमांस करे, उसके साथ सोए। और इतना कहने के बाद सी क्यू वहाँ से चली जाती है। बट यहाँ पे मिस्टर ली बहुत ज्यादा ही गुस्से में थे। अब यहाँ से सी क्यू काफी परेशान होकर अपने घर पे पहुंचती है, जहाँ पे उसका भाई और उसकी मॉम दोनों बैठ के ड्रामा देख रहे थे। बट यहाँ पे सी क्यू उन दोनों को इग्नोर करके अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पे उसे सब कुछ समझ में आ रहा था कि मिस्टर ली उसके साथ अजीबोगरीब तरीके से क्यों पेश आ रहे थे, क्योंकि वे उसके साथ रोमांस करना चाहते थे। और इसलिए यहाँ पे सी क्यू बहुत ज्यादा ही खोई खोई सी है। लेकिन जॉब तो जॉब थी, इसलिए सी क्यू अब नेक्स्ट डे फिर से कार लेके मिस्टर ली के घर पे पहुंच जाती है। लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद भी मिस्टर ली बाहर नहीं निकलते हैं। तब थोड़ी देर के बाद सी क्यू को यहाँ पे मैसेज आता है कि मिस्टर ली थोड़ी देर के बाद ऑफिस जाएंगे, इसलिए सी क्यू दोपहर में उनसे मिलने के लिए ऑफिस में ही पहुंचे। और सी क्यू इस मैसेज को पढ़ने के बाद वहाँ से चली जाती है। बट यहाँ पे घर के अंदर देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर ली सी क्यू के बारे में अभी भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि उन्होंने कभी ऐसा कब कहा कि वो उसके साथ रोमांस। और इस बात को सोच सोच के मिस्टर ली बहुत ज्यादा ही परेशान हो रहे थे, और यहाँ पे भी परेशान कम सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसके बाद मिस्टर ली यहाँ पे अपने डॉक्टर को कॉल करते हैं और उन्हें अपनी सभी प्रॉब्लम्स को बताते हैं। बट यहाँ पे डॉक्टर ने जवाब देते हैं कि उन्हें सबसे पहले हॉस्पिटल में आकर चेकअप करवाना चाहिए, उसके बाद ही वे कुछ जवाब दे पाएंगे। लेकिन इधर सी क्यू को अब काफी समय मिल चुका था, इसलिए वो अपनी कॉन्सर्ट की तैयारी करने के लिए हॉल में चली आती है, जहाँ पे वो अकेले में तो थी बट वो बहुत ज्यादा ही परेशान थी, क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रही थी। बट तभी पीछे से उसका इंटरव्यू लेने वाला लड़का चला आता है, और यहाँ पे वो सी क्यू के साथ काफी फ्लर्टिंग करते हुए बातें करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे सी क्यू उसकी सभी चालों को समझ जाती है, इसलिए वो उसे बच्चा कह के वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पे बच्चा सुनने के बाद यह आदमी तो बहुत ज्यादा ही बौखला जाता है। अब यहाँ पे मिस्टर ली अपने घर में बहुत ज्यादा ही परेशान हो रहे थे, इसलिए वो अपने मैनेजर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट वहाँ पे उन्हें कार्ड मिलता है, जहाँ पे मैनेजर लिख के गया हुआ था कि उसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ऑफिस में चली आई है, इसलिए अगर उन्हें ड्राइवर की जरूरत पड़े तो वह सी क्यू को कॉल कर ले। अब यहाँ पे मिस्टर ली को न चाहते हुए भी सी क्यू के साथ जाना पड़ता है, जहाँ पे सी क्यू बहुत ज्यादा ही चुप चुप सी थी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस्टर ली अपने बड़े भाई से मिलने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचता है, जहाँ पे वो अभी भी कोरिया में लैंड किया था। और यहाँ पे जब फिर उन्होंने बाहर निकलते हैं तो सी क्यू उसे नहीं पहचान पाती है, क्योंकि उसने अभी तो उसे फर्स्ट टाइम ही देखा था। बट यहाँ पर वो आदमी खुद ही सी क्यू के साथ अपना इंट्रोडक्शन करवा लेता है, और वह मिस्टर ली से पूछने लगता है कि आखिर वो कब से इतनी खूबसूरत लड़की को अपने ड्राइवर के रूप में स्वीकार करने लगा, और वो काफी फनी तरीके से इसको पूछता है। बट यहाँ पे मिस्टर ली उन दोनों को साथ में इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। थोड़ी देर के बाद अब ये लोग घर पे पहुंचते हैं, जहाँ पे मिस्टर ली का बड़ा भाई सी क्यू को अपने साथ ही ड्रिंकिंग करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने सामान लाने में उसकी मदद की थी। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग ड्रिंकिंग करने के दौरान बहुत सारी बातें करने लगते हैं, जहाँ पे मिस्टर ली का बड़ा भाई सी क्यू को मिस्टर ली के बारे में बताता है और कहता है कि वो बचपन में लड़कियों से बहुत ज़्यादा ही डरता था, और इसलिए कुछ लड़कियाँ तो मिस्टर ली से पैसे भी छीन लेते थे। और बेचारे मिस्टर ली कोई भी जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही शर्मीले लड़के थे। अब यहाँ पर तो मिस्टर ली इन सभी बातों को सुनने के बाद खुद अपने बड़े भाई को आगे बोलने से रोक देते हैं और कहते हैं कि उन्हें शायद और ड्रिंकिंग करना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर ली अब कुछ ड्रिंक को लेने के लिए ऊपर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मिस्टर ली का बड़ा भाई सी क्यू उसे डायरेक्ट पूछ देता है कि क्या सच में मिस्टर ली उसे पसंद करते हैं। अब सी क्यू उन्हें कोई भी जवाब नहीं दे पाती है, बट वो उसे कहती है कि मिस्टर ली ने उसे अपने काम पे रखा है, और इसलिए वह मिस्टर ली की बहुत ही बड़ी आभारी है। तब यहाँ पे मिस्टर ली का बड़ा भाई सब कुछ समझ जाता है, और वो जान जाता है कि सी क्यू उसे इतना आसानी सब कुछ नहीं बताएगी। जिसके बाद वह सी क्यू को बहुत कुछ बताने लगता है कि उसका बड़ा भाई बहुत ही नेक दिल का है, और ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें।
बट यहाँ पे मिस्टर ली अब ड्रिंक लेके चले आए थे, इसलिए यहाँ पे वो ड्रिंक पीने के लिए कहते हैं। बट यहाँ पे मिस्टर ली का बड़ा भाई अब उन्हें कहते हैं कि उन्हें भी बहुत नींद आ रही है, इसलिए भी सोना चाहते हैं, और इतना कहने के बाद वे चले जाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी क्यू और मिस्टर ली ही दोनों बसते हैं। जहाँ पे मिस्टर ली को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वो सी क्यू से माफी मांगते हुए कहते हैं कि वो उसमें बहुत ज्यादा लापरवाह हो गए थे और इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आ गया था। तब यहाँ पे सी क्यू भी उन्हें माफ कर देती है। बट यहाँ पे मिस्टर ली उसे पूछते भी है कि आगे सी क्यू उस रात कहना क्या चाहती थी। मिस्टर ली को कुछ ही समझ में नहीं आया था। तब सी क्यू उन्हें बताती है कि मिस्टर ली अपने दिल में ऐसे कोई भी बात ना रहे कि सी क्यू आगे चल के उनसे डेटिंग करने के दौरान शादी भी करेगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए वो उनके साथ है अभी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर सी क्यू कभी भी मिस्टर ली को पसंद नहीं करेगी और ना ही भविष्य में ऐसा कोई दिन आएगा। बट यहाँ पे मिस्टर ली सी क्यू की इन सभी बातों को काफी गहराई से सुन रहे थे और उन्हें ये सभी बातें बहुत ज्यादा ही परेशान करने लगती है, इसलिए भी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी क्यू उदास होकर बैठी रहती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे मिस्टर ली सी क्यू के साथ अपने घर पे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें जूना के साथ फैमिली डिनर अटेंड करना था। और जब वे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे मिस्टर ली सी क्यू को कहते हैं उसे कार में ही अभी कुछ समय रुकना पड़ेगा, और वे मैसेज के दौरान उसे बातें करते रहेंगे कि अभी वे कब बाहर निकलेंगे। और इतना कहने के बाद मिस्टर ली अब अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जाने के बाद यहाँ पे मिस्टर ली की तो अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। बट यहाँ पे समय बीते बीते रात हो जाती है, जहाँ पे वे लोग साथ में डिनर करते हैं। थोड़ी देर के बाद अब यहाँ से जूना अभी मिस्टर ली के साथ बाहर निकलती है, जहाँ पे वह मिस्टर ली को बाय कह के अपनी कार में चली जाती है। अब यहाँ पे मिस्टर ली सी क्यू के साथ अपने घर की ओर चले जाते हैं। अब सीन नेक्स्ट डे पे जाता है, जहाँ पे सी क्यू मैनेजर के साथ ऑफिस में बैठी हुई थी, और तभी हम लोग देखते हैं कि उधर से जूना चली आती है, जहाँ पे जून मैनेजर को चाबी देते हुए कहती है कि उसने कुछ सामान को लेके आई है और इसलिए मैनेजर जाके सामान को ले आए, और मैनेजर सामान लाने के लिए नीचे चला जाता है। अब यहाँ पे सी क्यू और जून दोनों अब अकेले ही बचे हुए थे, इसलिए यहाँ पे जून और सी क्यू से काफी अजीब सी सवाल पूछने लगती है, जहाँ पे सी क्यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बट यहाँ पे मैनेजर अब कार के सामान को लेकर चला आता है, जहाँ पे सबसे पहले जून उसमें से एक सैंडल निकालती है और वह सी क्यू के पैरों में फिट करने की कोशिश करती है, बट वो जूता छोटा हो जाता है, इसलिए वो जूते को सामने फेंक देती है। अब यहाँ पे सी क्यू इन सब कुछ को देखने के बाद कुछ समझ नहीं पा रही थी। बट यहाँ पे जून अब अपनी सैंडल निकालती है और वो सी क्यू के सामने रख देती है। तब यहाँ पे सी क्यू उसे पूछती है कि आखिर वो करना क्या चाहती है, जिस पर जून उसे जवाब देती हुई कहती है कि वह सी क्यू के लिए सब कुछ कर सकती है जो वो चाहे, अगर उसे जॉब चाहिए तो उसे वो जॉब दे सकती है, साथ में काफी हाई सैलरी, बस वो मिस्टर ली की नौकरी को छोड़ते। और इतना कहने के बाद जूना वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पे सी क्यू को समझ में चला आता है कि वो इन सभी पैसों वाले के मुकाबला नहीं कर सकती है, जिसके बाद सी क्यू अपनी दादी से मिलने पहुँचती है। बट वहाँ पे वो अपनी दादी को सब कुछ सच सच बता देती है। बट यहाँ पे उसकी दादी उसे समझाती है कि भले वह मिस्टर ली के साथ नहीं रहना चाह रही, से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसे कभी हार नहीं मानना चाहिए। अब दादी से मिलने के बाद सी क्यू मिस्टर ली से मिलने के लिए जाने लगती है, जहाँ पे मिस्टर ली डॉक्टर से मिलने गए हुए थे। बट यहाँ पे परेशान सी क्यू जब सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रही थी, तभी उसकी नजर एक आदमी पे पड़ती है जिसका लाइफ क्लॉक में करीब 54 साल लिखा रहा था, यानी कि वो 54 साल जिंदा रहेगा। बट अचानक से वह सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट दिखाने लगता है। अब सी क्यू इसे देखने के बाद हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा देख रही है। अब जैसे जैसे आदमी ऊपर बढ़ता है, उसी प्रकार से उसका टाइम एक्सचेंज हो रहा था, कभी 54 साल तो कभी 6 मिनट। अब सी क्यू यह समझ नहीं पाती है, इसलिए वो उसका पीछा करती है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यह आदमी एक कैबिन का दरवाजा खोल के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे कोई और नहीं मिस्टर ली अपने डॉक्टर के साथ बातें कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे यह आदमी अचानक से अपने चाकू निकालता है और वो डॉक्टर के ऊपर चाकू से हमला करते हुए कहने लगता है कि उस डॉक्टर के कारण उसका आज तलाक हो गया है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि उधर से सी क्यू दरवाजा खोल के अंदर चली आती है। अब यहाँ पे मिस्टर ली बार बार उसे कहते हैं कि वह अभी दरवाजा से बाहर चली जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरा है। लेकिन वहाँ पे वह आर्मी अब मना करता है और कहता है कि सी क्यू को अभी अब बाहर नहीं जाना है। और यहाँ पे यह आदमी डॉक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर उसी के कारण उसका आज तलाक हो गया है, और वो किसी पर्सनल दुश्मनी के बारे में बातें कर रहा था और कहने लगता है कि उसके कारण उसके बीवी बच्चे सभी के सभी दूर हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे सी क्यू बस उसके टाइम पर ही नोटिस कर रहे थे कि उसका टाइम बहुत तेजी से घट रहा था।
लेकिन जब यहाँ पे मिस्टर ली उस आदमी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वह अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोचे, क्योंकि अगर वो खून करते हैं तो उसे जेल जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे यह आदमी जब मिस्टर ली के बातों में चला आता है तो उसका टाइम फिर से 54 साल लिखा जाता है। लेकिन जैसे ही वह फिर से गुस्सा होता है, फिर से उसका टाइम अब 2 मिनट दिखाने लगता है। अब यहाँ पे सी क्यू इन सारी बातों को समझ जाती है और वो जान जाती है कि वह आदमी जरूर 2 से 3 मिनट में अपने आप के ऊपर चाकू से हमला करके जान से मार लेगा, और अगर वो इस बार बच जाता है तो वो हमेशा के लिए बच जाएगा। अब यहाँ पे सी क्यू काफी ज्यादा है अपनी एक्टिंग दिखाते हुए उसे कहने लगती है कि वो अगर उसने डॉक्टर को नहीं छोड़ा तो वह उसे खिड़कियों से धक्का दे देगी। अब यहाँ पे यह आदमी उसकी बातों को नहीं मानता है, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बीतता है, अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए थे, तब सी क्यू अचानक से उसकी तरफ दौड़ जाती है। अब यह आदमी यह देखने के बाद डॉक्टर को उधर फेंक देता है और वह सी क्यू के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे बीच में मिस्टर ली आके उसे बचा लेते हैं और वह जख्म मिस्टर ली को लग जाती है, जहाँ पे तो मिस्टर ली बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब मिस्टर ली को होश आता है तो वो हॉस्पिटल के बेड पर थे, जिसके बाद वे सी क्यू को ढूंढते हुए बाहर जाते हैं और तब वे देखते हैं कि सी क्यू बाहर उदास होकर बैठी हुई थी। अब मिस्टर ली उसके पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या वो पागल हो गई थी कि वहाँ पे जान का खतरा था, फिर भी सी क्यू बहकी बहकी सी बातें कर रही थी और वो उस आदमी को धक्का देने की बातें क्यों कर रही थी। अब यहाँ पे सी क्यू बहुत ज्यादा ही उदास थी, इसलिए वो मिस्टर ली को सब कुछ बता देती है और सब कुछ बताते हुए कहने लगती है कि अगर वो उस आदमी को धक्का नहीं देती तो वो चाकू से खुद को ही मार लेता और वो बस ऐसे ही 10 सेकंड मरने वाला था। और वो रोती हुई सब कुछ बता देती है कि वो किस कारण से मिस्टर ली के करीब रहती है और किस प्रकार से मिस्टर ली के पास रहने से उसका टाइम क्लॉक पॉज हो जाता है। अब यहाँ पे मिस्टर ली उसकी बातों को तो काफी गहराई से सुन रहे थे, बट यहाँ पे सी क्यू रो रही थी, इसलिए वो सी क्यू की तरफ देखे जा रहे थे। अब यहाँ पे वो सी क्यू की तरह टैटी हो चुके थे, इसलिए वो सी क्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे किस करते थे। लेकिन इस किसिंग तो हम लोग एक बात नोटिस करते हैं कि यहाँ पे सी क्यू का टाइम क्लॉक 87 दिन 19 घंटे, फिर 87 दिन 20 घंटे, 87 दिन 21 घंटे, ऐसे मतलब सेकेंड के अनुसार घंटों में बदल रही थी। यानी कि उसकी लाइफ टाइम किसिंग के दौरान बहुत तेजी से बढ़ रही थी और इसी मिस्ट्री और इसी ट्विस्ट के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा इसमें से अच्छा लगा, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट डे में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।